हेलो एवरीवन, वेलकम टू अब्रार एडिट्स एंड मोर। आज हम ड्रॉ करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ कंबाइंड फुटिंग एंड प्लान ऑफ कंबाइंड फुटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंदर की जो रेक्टेंगल है वो है, उसकी विड्थ 4000 की और लेंथ 2000 की है। तो आज मैं बाजू का बाजू इधर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इसके लिए रेक्टेंगल कमांड है REC एंटर, क्लिक करें डी एंटर, ये विड्थ कितनी है 4000 एंटर, और लेंथ कितनी है 2000 एंटर। आप देख सकते हैं ये बन चुका है। नाउ इसको क्लिक करिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, ओ एंटर मींस ऑफसेट लेना है इसका 300 कर लेंगे, और इसका ऑफसेट 300 कर लेंगे। ओ एंटर 100 एंटर, आउटसाइड प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ ये दोनों रेक्टेंगल को सेलेक्ट करिए, एक्स एंटर प्रेस करिए। अब हमें चाहिए इस लाइन का ऑफसेट, इसको सेलेक्ट करिए, ओ एंटर 1500 एंटर क्लिक करिए, यहाँ से एक बार क्लिक करिए 1500, हाँ चलेगा 1500, हम 1000 का लेंगे ऑफसेट। तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, ओ एंटर 1000, इधर से 1000, फिर लाइन प्रेस करने के लिए एल एंटर, इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक एक लाइन प्रेस करें, एस्केप करें। अभी हमें ये सेक्शन बनाना है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसका जो स्टैंडर्ड साइज है 400 बाय 400 का है, तो इसको नीचे बनाएंगे। REC एंटर क्लिक, डी एंटर 400 बाय 400 एंटर, ये क्लिक करिए, इसको सेलेक्ट करिए, इसका ऑफसेट 40 का लीजिए, ओ एंटर और प्रेस अंदर करिए। अब यहाँ अंदर कर्व चाहिए, उसके लिए F एंटर, रेडियस कुछ 20 का दे दीजिए, और पॉलीगन पे क्लिक करिए, अंदर सेलेक्ट करिए, अंदर कर्व बन चुका है। अब नाउ अंदर एक सर्कल चाहिए, तो यहाँ पर जाइए, यहाँ आपको ये पॉइंट दे देगा सर्कल का, कुछ 8 या 20 डायमीटर का होगा, 20 का होगा, 20 एंटर, 20 का सर्कल ले लीजिए, 20 डायमीटर का, एस्केप करिए, इसको सेलेक्ट करिए। अब हमें चाहिए रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर अरे पर क्लिक करिए, यहाँ रोज हमें चाहिए 3 और कॉलम भी चाहिए 3, तो कॉलम हम लिखेंगे 3, एंटर। नाउ हम इधर डिस्टेंस कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो सेकंड पॉइंट दिख रहा है यहाँ से इसको ट्रैक करते हुए इसको लेकर जाएंगे। एक मिनट, अब इसको क्लिक करिए, इसके मिड पॉइंट पे देखिए, यहाँ ऐसे मिड पॉइंट देखिए, कहाँ है मिड पॉइंट, यहाँ है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर लेके जाके प्रेस कर दीजिए, और यहाँ से इस पॉइंट पे प्रेस करिए, एंड प्रो एंड पॉइंट पे ले लीजिए, एस्केप करिए, इसको सेलेक्ट करिए, एक्स एंटर एक्सप्लोड के लिए, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, डिलीट करिए। आप देख सकते हैं ये बन चुका है, ये पूरे को सेलेक्ट करिए, मूव करिए, मूव के लिए एम एंटर, सेंटर पॉइंट से लेके जाएं, और तो ऑफ करें ताकि एग्जैक्ट आए, यहाँ पे इस सेंटर प्रेस करें, फिर बाय विंडो सिलेक्शन इसको सारे को सेलेक्ट करें, इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी CO एंटर। अब यहाँ ऑर्थो मोड ऑन रखें ताकि एग्जैक्ट आए, बाय सेंटर यहाँ से यहाँ प्रेस करें, एस्केप। ये जो हमने लाइंस ली थी ये रेफरेंस लाइन थी, ये डायग्राम में कोई लाइन नहीं थी, ताकि एग्जैक्ट आ सके, ये डिलीट कर दीजिए। नाउ आप देख सकते हैं ये ऊपर का सेक्शन बन चुका है,
अब यहाँ ये longitudinal section बनाना है, इसके लिए L enter press करें, from the center एक line लीजिए, यहाँ से carefully सुनिए और skip मत करिए, अगर आप skip करेंगे तो आपको अगला part कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसको carefully सुनिए। यहाँ पे एक ये reference line ही है, ये इसको थोड़ा आगे तक extend कर लीजिए, मर्जी आपकी, लेकिन थोड़ा आगे यहाँ तक करेंगे तो चलेगा। Now एक rectangle लीजिए, उसको D enter करिए press, और ये उसकी हम ये section उतार रहे हैं। अभी आप समझे ये part नहीं है, अभी सिर्फ यही part है, हम इसको यही part उतारेंगे, फिर इसका mirror करेंगे ताकि हमारा time बच जाए। तो अब इसका जो है 4200 by 100 है, तो 4200 इसकी width है, 100 उसकी length है। क्लिक करिए, ये सेलेक्ट करिए, एम एंटर, मूव करना है इसको, हमें इसको यहाँ लाना है, यहाँ लाएंगे इस पॉइंट पे, और तो ऑफ कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे नीचे की लाइन से, इसको यहाँ इसके एंड पॉइंट पे कर देंगे। अब ये रेक्टेंगल को हम सेलेक्ट करेंगे, एक्स एंटर प्रेस करेंगे और ये एक्सप्लोड कर देंगे ताकि हम ये अनवांटेड हिस्सा निकाल दें। ट्रिम कमांड यूज करेंगे, टी आर डबल एंटर, और ये लाइन रब कर देंगे और ये लाइन भी रब कर देंगे ऐसे ही क्लिक करके। नाउ आप केयरफुली सुने, एल एंटर। अभी यहां से हमें रेफरेंस लाइन चाहिए, तो इस एंड पॉइंट से एक लाइन ले लीजिए, F8 प्रेस करके एक लाइन ले लीजिए, फिर से वही कमांड यूज करना, स्पेस बार प्रेस करिए, फिर एक लाइन लीजिए, एस्केप, नाउ फिर से लीजिए, फिर से जो लाइन ले रहे हैं आप यहाँ सेंटर से लीजिए, यहाँ सेंटर, ये लाइन को लीजिए, एस्केप। नाउ अब ये लाइन सेलेक्ट करिए, ओ एंटर, 40 का ऑफसेट दीजिए, अंदर एक प्रेस क्लिक, यहां से भी अंदर एक प्रेस क्लिक, एस्केप, यहां तक हो चुका है। अब फिर से लाइन कमांड यूज करिए, यहां से 100 की लाइन लीजिए और यहां से 600 की लाइन लीजिए, एस्केप, फिर से लाइन लीजिए, यहां से यहां पर इसको जोड़ दीजिए। नाउ हमें ये दो लाइन नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमें चाहिए ट्रिम कमांड, टी आर डबल एंटर, नाउ डिलीट दिस टू लाइंस, देख सकते हैं आप ये डिलीट हो चुका है। नाउ अब इस लाइन को सेलेक्ट करिए, ओ एंटर, 40 का ऑफसेट, क्लिक हियर, क्लिक हियर, क्लिक हियर, लाइक दिस। नाउ अब इसको सेलेक्ट करें, अब ये हमें इसके कर्व चाहिए, इसके लिए एफ एंटर, रेडियस कुछ 20 का दीजिए, 20 एंटर, पॉलीगन पे क्लिक करिए, एफ एंटर, फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करिए, सेकंड लाइन को सेलेक्ट करिए। नाउ फिर से यही प्रोसेस करना है अपने को, फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट, सेकंड लाइन को सेलेक्ट, आप देख सकते हैं कर्व्स बन चुके हैं। नाउ हमें यहाँ ये जो दो अनवांटेड लाइन है वो नहीं चाहिए, इसके लिए टी आर डबल एंटर, ट्रिम यूज करेंगे और हम इसको रब कर देंगे। अब नाउ यहाँ सर्कल चाहिए, तो हम इसके एंड पॉइंट पे जाएंगे ताकि हमें रेफरेंस सर्कल मिल जाए, और सर्कल का डायमीटर होगा 20, एस्केप, ना इसको सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे पाथ एरे पे, और ये नीचे वाली लाइन को प्रेस कर देंगे और यहाँ देंगे 100, डिस्टेंस 100 का देंगे, प्रेस एस्केप, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, सीओ एंटर, या चाहे तो आप यहाँ ऊपर से भी कर सकते हैं,
मैंने कीबोर्ड से किया है, यहाँ ऊपर यहाँ ऊपर ले लीजिए, माउस को यहाँ लेके जाके ताकि एग्जैक्ट मिल जाए, एस्केप लाइक दिस, देख सकते हैं आप ऐसा बन चुका है, कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हम आपको कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने हाफ हिस्सा, अभी हाफ पार्ट तो बना ही लिया है ना, अभी बारी आती है ब्रेक लाइन की। तो ब्रेक लाइन के लिए बी आर टाइप करें, ब्रेक लाइन, यहाँ नियरेस्ट पॉइंट से ये पॉइंट से क्लिक करें और ये पॉइंट पे क्लिक कर दें, क्लिक करके प्रेस एंटर, तो आप देख सकते हैं ये बन चुका है। अब ये जो लाइंस है ऊपर की हमारे लिए अभी अनवांटेड है, तो इसके लिए हम ट्रिम कमांड यूज करेंगे, टी आर डबल एंटर, माउस को एक बार क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ये अनवांटेड लाइन सारे डिलीट। नाउ अभी हमें ये लाइन चाहिए, हमें ये लाइन को सेलेक्ट करना है और जाना है पाथरे ऑप्शन पे, मींस ये लाइन को सेलेक्ट करें फर्स्ट, इसके बाद पाथरे ऑप्शन पे जाए, फिर ये लाइन को सेलेक्ट करें। एक मिनट, कंट्रोल सेट, कुछ गलती हो गई है ऐसा दिखता है मुझे। नहीं, ये पार्ट भी हमारे लिए अनवांटेड है, तो माउस से सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें। नाउ इस लाइन को सेलेक्ट करें, पाथ अरे ऑप्शन पर जाएं, अगर ऐसा कुछ होता है ऐसे तो इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल जेड दबाएं ताकि एक्स्ट्रा आ जाए, सेलेक्ट करें, इसका ऑफसेट ले लेते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अब यहाँ पर हम आप देख सकते हैं हमने ये हाफ पोर्शन तो बना ही लिया है लाइक दिस। अभी समझिए ये पार्ट नहीं है, सिर्फ यही पार्ट है, हम सिर्फ यही पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको चेक कर लें, इस लाइन को सेलेक्ट करें, ऑफसेट लीजिए इसका 150 का, वो एंटर 150 एंटर, और यहाँ आ जाएगी एक लाइन, सेलेक्ट मल्टीपल, सेलेक्ट करें एंटर। एक बार ये लाइन जो ब्रेक लाइन के आसपास आ चुकी है, मींस अगर एक बार भी ये लाइन अगर ब्रेक लाइन के आसपास आ गई तो आप इसको एंटर प्रेस एंटर करके डिलीट कर दीजिए। नाउ एल एंटर प्रेस करिए, ये सेंटर पॉइंट से एक लाइन अंदाजे पे एक ले लीजिए, फिर इसी लाइन को सेलेक्ट करिए, ओ एंटर ऑफसेट के लिए, और इसका ऑफसेट दीजिए 440 का, एक बार इधर क्लिक, ऊपर टॉप में बॉटम में क्लिक, फिर ट्रिम कमांड लीजिए, टी आर डबल एंटर, इस लाइन को डिलीट करिए, इस लाइन को डिलीट करिए, और ये तीन लाइन को भी डिलीट कर दीजिए। ये रेफरेंस लाइन थे यहाँ सेंटर में एग्जैक्ट लाइन काटने के लिए, क्या ताकि हम ट्रिम कमांड लेकर भी करते तो लेकिन एग्जैक्ट नहीं होती थी, ये लाइन की मदद से हमने ये पार्ट किया। अब नाउ ये लाइन हमारे लिए अनवांटेड है, ये रेफरेंस लाइन। नाउ हमें यही पार्ट इसका बनाना है, हम फिर से नहीं बनाएंगे इसको, बाय ऑल सिलेक्शन इसको सेलेक्ट कर लेंगे, प्रेस MI एंटर, या चाहे तो आप माउस से भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पे केयरफुली देखिए, इस पॉइंट पे क्लिक करिए और कर्सर को लेके जाइए नीचे, F8 ऑन रखिए, मींस ऑर्थो ऑन रखिए ताकि स्ट्रेट आए, अगर आपने ऑर्थो ऑफ किया है तो आपका डायग्राम ऐसा होगा, आप ऑर्थो ऑन करके ही करें,
ताकि एग्जैक्ट आए, इसको सेलेक्ट करें, क्लिक करें माउस का लेफ्ट बटन, यस और नो पूछता है वो, तो आपको प्रेस करना है नो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइंस भी अनवांटेड है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे बाय ट्रिम। अगर नहीं हो रही है तो ऑल सिलेक्शन से कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने कंबाइंड फुटिंग का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी बना लिया है एंड प्लान भी बना लिया है। और नाउ यहाँ कंक्रीट बनना है तो ये हैचिंग की मदद से होगा। एच एंटर प्रेस करिए, यहाँ एआर कंक्रीट पे जाइए ऑप्शन में, यहाँ प्रेस करिए। कंक्रीट हमेशा अगर आप मिलीमीटर्स में कर रहे हैं तो कंक्रीट की वैल्यू कम ही रहती है। मर्जी है आपकी, जितना दे सकते हैं, आपको जैसा दिख रहा है सूटेबल वो हिसाब से इसको कीजिए। मैंने मेरे हिसाब से ये कर लिया है, एस्केप कर लीजिए। ये देखिए आपका प्लान बन चुका है और आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी बन चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लेबलिंग्स वो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैंने ये कमांड्स कैसे यूज करते हैं उसके शॉर्टकट्स के लिए एक वीडियो डाली है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हैं वो लिंक। और मैंने और दूसरे वीडियोस बनाए हैं वो भी चेक करिए, वो चेक करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।